भोपाल से, जहां हिजाब पर विवाद बढ़ने के बाद अब शिक्षा मंत्री ने यू टर्न ले लिया है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया कि किसी भी तरह का नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया जाएगा, जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला क्या। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था, परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, कल तक स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में हम ड्रेस कोड लागू करेंगे, आज इस पूरे मसले को लेकर गृह मंत्री ने भी बयान दिया था और कहा था कि मध्य प्रदेश में हिजाब का कोई विवाद नहीं है और सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव भी लंबित नहीं है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद अब इंदर सिंह परमार का ये बयान कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया, गलत मतलब निकाला गया और हम फिलहाल कोई भी ड्रेस कोड लागू नहीं करेंगे, क्या कहे जाए इस पर? जय, साफ तौर पर कह सकते हैं कि मंत्री अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल स्पष्ट तौर पर जब मैंने भी उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नया ड्रेस कोड मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को स्कूल में जाना पड़ेगा और जो स्कूल उस ड्रेस कोड के साथ नहीं जाएगा अनुशासनहीनता के दायरे में उसे लिया जाएगा। लेकिन अब मंत्री का कहना है, इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल जो खुलने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने कहा था कि उसमें जो ड्रेस कोड रहेगा उसके साथ जाना होगा। लेकिन कल तक वो जिस तरीके से बयान दे रहे थे, क्योंकि हमने कर्नाटक में मामला देखा कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जिस तरीके से विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है, मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, दो दिन से सुनवाई चल रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हिजाब को लेकर सियासत गरमाने लगी थी। कल हमने देखा था जिस तरीके से कांग्रेस भी हमलावर हुई थी, जो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, उन्होंने आर पार की लड़ाई की बात कही थी, उसके बाद से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं इंदर सिंह परमार जो है स्कूल शिक्षा मंत्री उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हिजाब मध्य प्रदेश में भी क्या बैन किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने जब बयान दिया उसके बाद आज वो क्या है, आज जब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट करा कि कोई इस तरीके से प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार नहीं ला रही है, उसके बाद अब जो है इंदर सिंह परमार अपने बयान से कहीं ना कहीं यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो ड्रेस कोड की बात की गई है मध्य प्रदेश में जो नए स्कूल खुलने वाले हैं मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल, उसको लेकर ड्रेस कोड को लेकर मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है, लेकिन पूरे स्कूलों को लेकर इस तरीके से कोई प्रस्ताव नहीं है कि नया ड्रेस कोड लाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कल कहा था कि ड्रेस कोड के साथ ही बच्चे जाएं, समानता अनुशासन का पालन करें और जो पारंपरिक परिधान है चाहे उसमें हिजाब हो उनको पहनकर स्कूल नहीं जा सकते हैं, नहीं तो अनुशासनहीनता कहलाएगी। उसके साथ ही जो स्कूल या कॉलेज हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं विवाद बढ़ने लगा और आज जो हम कह सकते हैं इंदर सिंह परमार अपने बयान से यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर जो मामला है वो सियासत भी करवा रही थी और कई जगह पर विरोध प्रदर्शन का सामना भी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को करना पड़ रहा था। बिल्कुल, और इसीलिए स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, उसे गलत तरीके से पेश किया गया। धन्यवाद आपका आकर्ष, तमाम जानकारी के लिए।